हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंडीगढ़ करियर गुरु। आई एम नरेंद्र सिंह भाटिया। सो एज टू प्रॉमिसिंग टू यू, वी आर लॉन्चिंग अनदर वीडियो फॉर यू। ठीक है, आपके एपकेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें अगला वीडियो आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो सारे वीडियो अभी तक जो हमने पास में जितने भी किए हैं, सारे आपके बड़े इंपॉर्टेंट थे और ये भी वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश गुड रिजल्ट इज इन दिस ईयर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने वर्ड यूज किया है लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें आपने एक वर्ड यूज किया है लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब होता है उम्मीद करना। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इस पूरे का मतलब होता है उम्मीद करना। एक फ्रेजल वर्ब है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, एग्जाम में काफी हद तक आता है। हर एग्जाम में 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आने के चांसेस 80% होते हैं, तो वो 20% क्वेश्चन ही हमको पकड़ के चलना है, ये उनमें से एक है। ठीक है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब उम्मीद करना, मतलब लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू लगता है। इसके साथ ना अगर कभी भी वर्ब का यूज करोगे ना, तो वो जीरंड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ तो खैर नाउन यूज किया गया, अगर आप वर्ब का यूज करोगे तो वो जीरंड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज किया गया है, करेक्ट आंसर आपका टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, ही इंसिस्टेड डैश प्लेइंग चेस। इंसिस्ट मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना। तो इंग्लिश में कुछ वर्ड है जिसको हम बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन मतलब जिनका प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है, सेंटेंस कुछ भी हो उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेना पड़ता है। तो इंसिस्ट के साथ ना ऑन को लगाया जाता है। तो जितने भी फिक्स प्रीपोजिशन के वर्ड है वो सब आप एक तरफ कर लीजिएगा और एक साथ याद कर लीजिएगा, तो करेक्ट आंसर ऑन हो जाएगा। ही डैश इज ओल्ड हाउस। ये जितने भी दिए उनको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब मतलब होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जब मिल जाता है तो अपना एक उसका मीनिंग हो जाता है। जैसे लुक है और आफ्टर है, तो लुक तो वर्ब होता है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन होता है। तो लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद में देखना तो होगा नहीं, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। ऐसा ही फ्रेजल वर्ब है, जैसे अकाउंट मतलब खाता, फॉर्म मतलब के लिए, तो अकाउंट फॉर्म मतलब होता है कारण बताना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेजल वर्ब है जिनके मीनिंग बिल्कुल अलग होते हैं। लुक डाउन अपॉन नफरत से देखना, लुक एट मतलब देखना, लुक इनटू छानबीन करना, हार्ड अप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका एग्जाम में हार्ड अप, पैसों की कमी, शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक है, तो ये सारी चीज हमको याद रखनी पड़ेंगी। डिस्पोज ऑफ मतलब बेचना होता है, कैरी ऑफ मतलब होता है विक्ट्री, जीत जाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरकम। कैरी ऑफ मतलब विक्ट्री, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना, कई बार हम पढ़ते ना मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, मैच कैंसिल हो गया, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना। राइट ऑफ मतलब होता है समाप्त होना, नष्ट होना, जिसको बोलते हैं एबोलिश या डिमोलिश, और ये वर्ड काफी यूज होता है एग्जाम में, इरेडिकेट। राइट ऑफ मतलब समाप्त होना, अब घर को समाप्त तो करेगा नहीं, घर को जीतेगा भी नहीं, घर को कैंसिल भी नहीं करेगा, घर को बेचेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है बेचना। वी शुड अबाइड डैश द रूल्स। इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया आपने अबाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूं मैं इनको, क्योंकि इनके आंसर तो बदल नहीं रहे, आपको एग्जाम में जैसे ही वर्ड देखा आपका आंसर एक सेकंड में आएगा, आपको इसके साथ बाय लगाना है। कितना सेकंड लगा आपको, एक सेकंड भी नहीं लगेगा इस वर्ड को देखते ही। जैसे ही आपको ये वर्ड मिला, आपको आंसर मिला, आपको बाकी क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारा टाइम बचाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को बड़े इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, क्योंकि आपका टाइम बचा रहे हैं, वो आपको ज्यादा सोचने नहीं दे रहा। आपको जितना पता था कि अवॉइड के साथ बाय लगता है, अगर एरर में भी क्वेश्चन आता है, मान लो अवॉइड के साथ एट लगा दिया, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको उसी पार्ट में आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज सेव योर टाइम एंड इज 100% करेक्ट आल्सो। योर आंसर इज सी, बाय। अवॉइड मीन्स नियम का पालन करना। ठीक है, नियम तोड़ना को इंग्लिश में ब्रीच बोलते हैं, अवॉइड मतलब नियम का पालन करना होता है। फ्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग। तो सबसे पहले तो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया फ्यू। तो फ्यू ना एक निगेटिव वर्ड है, और क्वेश्चन टाइम में उल्टा बनता है, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव बनता है, हमेशा उल्टा आंसर आता है क्वेश्चन टाइम में। ये निगेटिव है तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर दो पॉजिटिव है, आर दे और आपका है हेड दे। क्वेश्चन में आर लगा है तो हेड तो आ नहीं सकता, जो हेल्पिंग वर्ड उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आर दे। ठीक है, एक फ्यू और एक होता है लिटिल। हमने एक वीडियो बनाया भी था क्वेश्चन टैग का, उसमें सारा चीजें मैंने क्लियर किया था। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मेरा क्वेश्चन टैग का वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा, जिसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को ही डिस्कस किया था। तो आंसर हो जाएगा आर दे, योर करेक्ट आंसर इज। आई डैश दिस फिल्म लास्ट ईयर। इसमें ईयर के पहले लास्ट लगा हुआ है। देखो तो इंग्लिश में तीन ऐसे वर्ड है, एक होता है लास्ट, एक होता है यस्टरडे और एक होता है एगो। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है,
जिस क्वेश्चन में ये तीन वर्ड लगे ना उसका आंसर सिंपल पास्ट टेंस आता है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस मीन सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, करेक्ट आंसर वॉश्ड आ जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, योर आंसर इज वॉश्ड। ही रन फास्ट लेस ही डैश मिस द ट्रेन, इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया लेस, ये पेयर है। जैसे नॉट ओनली देखते ही हमारे दिमाग में बट ऑल्सो आता है ना, इधर को देख के नॉर आता है, इधर को देख के और आता है, बस यही समझ लो लेस को देख के आपके दिमाग में शुड आना चाहिए। लेस मतलब होता है नहीं तो, और लेस के साथ ना हमेशा शुड को लगाया जाता है। ये करेक्ट आंसर इज शुड, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ कंजक्शन, लेस के साथ शुड का पेयर बनता है। करेक्ट आंसर आपका शुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वन वर्ड है मर्डर ऑफ वाइफ, ठीक है। ये साइड लग गया सब में, देखिए साइड लग गया, कोई ना कोई साइड हो रहा है। फ्रेटिसाइड ना ब्रदर के लिए आता है, फ्रेटिसाइड मतलब भाई की हत्या। पेट्री आता है आपका फादर के लिए, पिता की हत्या। यूक्सोरिस आता है वाइफ के लिए, और जेनोसाइड किलिंग ऑफ रेस बोलते हैं, पूरे खानदान की हत्या, मतलब कोई भी नहीं बचा, पूरे वंश की हत्या। उसके अलावा अगर हम मदर की बात करें तो मदर के लिए पेट्रीसाइड आता है, और हस्बैंड के लिए आता है मेरिटीसाइड, ये हस्बैंड के लिए आता है, ठीक है। तो काफी सारे वर्ड हैं, भाई बहन पति पत्नी सभी के लिए कोई ना कोई वर्ड बना हुआ है। क्वेश्चन में किसका पूछा आपसे, वाइफ का पूछा है, तो आंसर हो जाएगा यूक्सोरिसाइड, पत्नी की हत्या, यूक्सोरिसाइड। ही डैश मी फाइव डेज एगो, अभी जैसे एगो लगा है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था, एगो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एगो के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, सिंपल पास्ट टेंस मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है, तो करेक्ट आंसर मैट हो जाएगा। अब हैड लोगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चले जाओगे, हैज लोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चले जाओगे, विल लोगे तो ये सिंपल फ्यूचर में चले जाओगे, है ना। वैसे भी विल के बाद मैट नहीं आता, विल के बाद मीट आता है, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग है। सब्जेक्ट प्लस वी टू मतलब सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15th of August 1947 डैश इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारो सब में डे लगा हुआ है लेकिन इनका मीनिंग वो नहीं जो आप सोच रहे हो। रेनी डे आप सोचोगे बरसात का दिन, तो गलत है। रेनी डे मतलब होता है मुसीबत का दिन, जिसको इंग्लिश में ना क्लाउडी डे भी बोलते हैं। गाला डे मतलब हैप्पी डे, खुशी का दिन, ठीक है। गाला डे मतलब होता है हैप्पी डे, खुशी का दिन, टुडे था गाला डे, आज हमारा खुशी का दिन है। रेड लेटर डे मतलब हिस्टोरिकल डे, ऐतिहासिक दिन, ठीक है, 15 अगस्त 26 जनवरी। हेलीकॉन डे मतलब होता है फेस्टिवल का दिन, त्यौहार का दिन, होली दिवाली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, दिस इज द करेक्ट आंसर। डैश ऑफ द 10th पर्सन विल अपीयर इन द मीटिंग, इस क्वेश्चन में लिखे आइदर, एक लिखा है नाइदर, ये दोनों का यूज करते हैं दो के लिए, आइदर मतलब दोनों में से एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। इंग्लिश में कुछ वर्ड है बोथ हो गया, बिटवीन हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज ना सिर्फ दो के लिए होता है, बोथ बिटवीन आइदर सब दो के लिए आते हैं। क्वेश्चन में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। अच्छा, एवरी के बाद कभी ऑफ नहीं आता, ये मैंने आपको प्रोनाउन के समय बताया था, इसलिए मेरा प्रोनाउन का वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने एक टॉपिक था प्रोनाउन, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। एवरी के बाद कभी ऑफ नहीं आता है, तो ये भी आपका रॉन्ग है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी, ठीक है। तो ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नोबडी, नो वन, समवन, सारा मैंने प्रोनाउन वीडियो में अपना सारा क्लियर किया था, तो जिन्होंने मेरे वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास से शुरू किया था, आज हमारी 21 क्लास है, तो ऐसे करते करते एक वन बाय वन सारे वीडियो बनाते गए हैं, तो मेरे वन वीडियो सब देखना शुरू कीजिए, आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका एनी। नेक्स्ट है ही इज द बेस्ट स्पीकर डैश, तो सबसे पहले तो आपने बेस्ट वर्ड यूज किया हुआ है, बेस्ट मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्री होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमको दो बातों पे ध्यान देना, एक तो इसमें डैट लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना हैज और हैव लगता है, हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पहला तो इसमें डैट तो खैर लगेगा ही, अब डैट आपका दो जगह लगा है ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, करेक्ट आंसर बी होगा, डैट आई हैव हर्ड, दिस इज योर करेक्ट आंसर।
इफ ही डैश अ कैप्टन, काश वह कैप्टन होता, इमेजिन कर रहा है, इमेजिन करते समय ना वर आता है, काश वह कैप्टन होता, काश तुम पागल होते, काश मैं मैनेजर होता, काश वह पीएम होता, जो भी होता, अगर हम इमेजिन करेंगे तो उसके लिए वर लगाया जाता है। कैसे मालूम चले इमेजिन कर रहा है? क्वेश्चन इफ से शुरू हुआ है, मतलब वो कल्पना कर रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए डैश इन अ कार एक्सीडेंट, ये सारे इडियम्स हैं, ठीक है। डार्क हॉट मतलब होता है छुपा रुस्तम, हिडन जीनियस। क्लोज शेव मतलब बड़ी मुश्किल से बचना, बाल बाल बचना। ब्लू ब्लड अमीर घर का। ब्लैक शीप मतलब होता है मनहूस व्यक्ति, अशुभ व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में जिंक्स भी बोलते हैं। तो आई आर डैश इन अ कार एक्सीडेंट, तो कार एक्सीडेंट में बड़ी मुश्किल से ही बचेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्लोज शेव, ठीक है। आपको सिर्फ इनका मीनिंग पता करना है, आंसर कौन सा आएगा उसमें आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपको मीनिंग में ही प्रॉब्लम होगी, तो प्रैक्टिस हमको मीनिंग को करना है। इट इज हाई टाइम वेन डैड, इस क्वेश्चन में हाई टाइम लगाया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हाई टाइम, लास्ट टाइम, अकेला टाइम, जब भी क्वेश्चन में टाइम वर्ड यूज करता है उसका आंसर सिंपल पास्ट टेंस आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा आई के, इट इज हाई टाइम वेन आई के। टू आवर्स हैव इलेप्स्ड सिंस डैश, इस क्वेश्चन में सिंस लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंस के बाद ना सिंपल पास्ट टेंस आता है, सिंपल पास्ट टेंस मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सिंस के बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वी टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ही के, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ये आपका आंसर है, दिस इज योर करेक्ट आंसर ही के। शी आस्क्ड हर डैड व्हाट डिड शी वांट, व्हाट शी वांटेड, व्हाट हैज शी वांट, इस क्वेश्चन में जब आप व्हाट का यूज करोगे तो ये सेंटेंस का ना बीच में आएगा, स्टार्टिंग में तो आ नहीं रहा, अगर ये स्टार्टिंग में आता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है, लेकिन वो बीच में आ गया, तो जब ये बीच में आता है ना तो एक कंजक्शन बन जाता है, कंजक्शन मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को बोलते हैं, तो कंजक्शन का स्ट्रक्चर होता है, कंजक्शन के बाद ना सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पर डिड आ गया नहीं आ गया, यहाँ पर हैड आ गया ये भी नहीं आएगा, यहाँ पर हैथ आ गया ये भी नहीं आएगा, यहाँ पर कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, शी आ रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। फियर ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी से डर, ठीक है। साइनोफोबिया आता है डॉग के लिए, कुत्ते से डर। ज़ूफोबिया आता है एनिमल्स के लिए, जानवरों से डर। नेक्रोफोबिया आपका आंसर है, नेक्रोफोबिया मतलब होता है डेड बॉडी से डर। और क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब होता है क्लोज स्पेस, बंद जगह से डर, बंद जगह से डर, उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। क्वेश्चन में किसे डर रहे हैं? डेड बॉडी से, आंसर हो जाएगा सी, नेक्रोफोबिया, डेड बॉडी से डर। डैश इज बेस्ट एफर्ट ही फेल टू एकम्प्लिश हिज गोल, एकम्प्लिश मतलब होता है कंप्लीट करना, पूरा करना, ठीक है। इसका रूल होता है इन स्पाइट ऑफ इक्वल होता है डिस्पाइट, मतलब होता है के बावजूद, इंस्पायर के बाद ऑफ लगता है, डिस्पायर के बाद ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पायर के बाद फॉल लगा गलत है, यहाँ भी गलत है, इंस्पायर के बाद फॉल नहीं लगता, इंस्पायर के बाद ऑफ लगता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंस्पायर ऑफ मतलब के बावजूद। ही डैश मी 5 days यस्टरडे, ठीक है। इस क्वेश्चन में लगा है यस्टरडे, ठीक है, क्वेश्चन में लगा आपका यस्टरडे, तो जितने भी यस्टरडे वाले क्वेश्चन इसका आंसर ना वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है। ही डैश मी इसमें कॉल कर लीजिएगा, ही डैश मी ऐसा कर लीजिएगा, ही डैश मी कॉल्ड यस्टरडे, क्वेश्चन ऐसा है आपका, ही डैश मी कॉल्ड यस्टरडे। तो जब क्वेश्चन में वी टू लगा, जैसे मैंने तीन वर्ड आपको बताया था, यस्टरडे, लास्ट, एगो, ये तीन वर्ड कभी भी आएंगे तो उसका आंसर सिंपल पास्ट टेंस आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो सब्जेक्ट तो आपके पास ऑलरेडी है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स बाय अ न्यू साड़ी, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन टैग का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताया था। अगर क्वेश्चन कभी लेट्स से शुरू होता है, लेट्स, लेट्स प्ले, लेट्स वॉच मूवी, तो इसका आंसर ना हमेशा शैल भी आता है, जितने भी लेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लेट्स गो, लेट्स वॉच मूवी, जो भी है, इसका आंसर शैल भी ही आएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका शैल भी, ठीक है। लेट्स प्ले, लेट्स गो, इनका निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेट्स वाले क्वेश्चन निगेटिव में बनते ही नहीं है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गेव मी डैश बुक्स विच ही हैड, क्वेश्चन में लगा है विच, देखो एक होता है हु, एक होता है विच, और एक होता है डैड, ये तीन वर्ड जब भी सेंटेंस में लगेंगे ना तो उस केस में ना आर्टिकल द जरूर लगता है, इसकी पहचान है, हु, विच और डैड के साथ ना हमेशा द लगता है,
क्योंकि तब हम किसी पर्टिकुलर बुक्स की बात करते हैं, इसलिए दा को लगाया जाता है। तो विच लगाए तो दा तो लगेगा ही लगेगा, इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, आंसर हो जाएगा दा फ्यू। तो कितनी जल्दी हमारा आंसर आ जाता है अगर वो थोड़ा सा रूल पता हो। ठीक है, तो सारा खेल रूल का है, कोई ऐसा नहीं कि पूरा ग्रामर ही पता होना चाहिए, कुछ उसके बेसिक रूल पता होना चाहिए। तो विच के साथ दा लगता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा फ्यू। डिटेल तो वैसे भी नहीं आएगा, वो क्लिटी अनकाउंटेबल के लिए आता है और ये क्वेश्चन काउंटेबल है। कश्मीर इज द डेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो बैग एंड बैगेज मतलब तो पूरी तरह छोड़कर चले जाना होता है, हमेशा के लिए चले जाना। फेयर एंड इसका मतलब होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। किट एंड किन मतलब होता है रिलेटिव, रिश्तेदार। ठीक है, और बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है फसाद की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन फसाद की जड़। तो कश्मीर जो है इंडिया पाकिस्तान के फसाद की जड़ ही है, उसका आंसर हो जाएगा बोन ऑफ कंटेंशन। इसके लिए डीएम से ये भी आता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब भी फसाद की जड़ ही होता है। द प्रिंसिपल कंप्लाइड डैश द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड उसके अपने कंप्लाइड, कंप्लाइड मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, एक्चुअल में कंप्लाई होता है लेकिन वो पास्ट टेंस है इसलिए कंप्लाइड बन गया है। कंप्लाई के साथ ना विद को लगाया जाता है। ठीक है, कंप्लाई के साथ लगाया जाता है विद को, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद, दिस इज करेक्ट आंसर। कंप्लाइड मतलब सहमत होना, राजी होना, तैयार होना। ए पर्सन हु चेंजेस साइड्स और पार्टी, साइड्स और पार्टी बदलने वाला मतलब दल बदलू, जिसको टर्न कोट बोलते हैं, टर्न कोट मतलब दल बदलू। ठीक है, ये ब्लैक शिप है, ब्लैक शिप मतलब होता है मनुष्य व्यक्ति, अशुभ व्यक्ति, जिंक्स। बिग गन मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति, सुनील से बिग गन फॉर आवर कंपनी, हमारी कंपनी के लिए वो महत्वपूर्ण है। हार्ड ऑफ मतलब होता है शॉर्ट ऑफ मनी, पैसों की कमी, उसको बोलते हैं हार्ड ऑफ, रुपयों की तंगी, हार्ड ऑफ, सारे इडियम्स हैं। तो पर्सन हू चेंजेस साइड्स ऑफ पार्टी, साइड्स ऑफ पार्टी बदलने वाले को दल बदलू बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्न कोट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 25 क्वेश्चन है आज के, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से हमको आगे के वीडियो भी आप हमारे देखते जाइए, आप में डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम करेक्ट कर आराम से कर जाओगे। और फिलहाल तो मैं एफकेट को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आप लोग के लिए वो है वोकैब। वोकैब में भी बात करें तो आपको इडियम्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ठीक है, कुछ फ्रेजल वर्ड तो खैर अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम हम जो दे रहे हो तो कर ही लीजिएगा। उसके अलावा वोकैबलरी तो डेली करना चाहिए, और हर वीडियो में हमारे कम से कम 30 से 35 वोकैब हमारे हर वीडियो में कवर हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा भी कवर होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।